हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज का अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था एंड इंटरव्यू के अंदर मुझे पता है कि इंटरमीडिएट को भी, एक्सपीरियंस वालों को भी पूछते हैं और बिगिनर को तो वो पूछने ही वाला है, ठीक है। तो आपको वो ऐसा नहीं डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई आप ईफ्लेट और गार्डलेट के बारे में डिफरेंस बताओ, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को ऐसा बोलेंगे। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप नील वैल्यू को कैसे हैंडल करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपको क्रैशेस को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि ऐप में क्रैश ना हो तो आप क्या करोगे, और फिर आपको ऐसा भी बोल सकता है कि इफ्लेट के बारे में बताओ, या सेपरेटली गार्डलेट के बारे में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आपको जैसे आपने बोला कि इफ्लेट एंड गार्डलेट का डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी सारे क्वेश्चंस है, आई होप कि आप इसके लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपका ये सारी चीज़ मैं क्लियर करके ही छोड़ूंगा। वीडियो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इसको एंड तक देखोगे उसमें आपका ही एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कोड रिड्यूस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप लॉगिन पेज आप जब भी क्रिएट करते हो, तो इस तरीके से टेक्स्ट पर वो सारी चीज़ आती है, तो आप उसमें कैसे अलर्ट बता सकते हो, कैसे आपको ये सबको रैप करना है कि भाई कोई वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक सेव हो गया तो दिक्कत होगी, नील नहीं सेव होनी चाहिए, ठीक है। उससे अच्छा कि भाई कोई मेरे को आउटलेट मैंने रह गया मेरा बनाना, तो क्रैश नहीं ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप कैसे हैंडल कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मुझे दो बात आपको मुझे बतानी थी कि अगर गाइस आप इस चैनल में नए हो तो वेलकम गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। सेकंड चीज़ गाइस, दो तीन वीडियोस में बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने ही वाला हूँ, तो बहुत जल्द अभी करने वाला हूँ। वीक के अंदर मैंने कोर्स का फाइनल भी मैंने ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा कि क्या कोर्स होगा, किस तरीके से मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं वीडियो डालने ही नहीं वाला, मैं फेस टू फेस ही मैं सिखाने वाला हूँ। ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जैसे यूडीमी में होता है कि आप सिर्फ लोग वीडियो ही देख लो, कुछ एडवांटेज उसका नहीं रहेगा यार कि अगर कुछ क्वेरी होगी आपको तो मैं फेस टू फेस सेशन ही लूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दिया है, code@yogesh@gmail.com। आप वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे आस्क कर सकते हो, और इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेल करना कि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ गाइस, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक यूआई बनाई है गाइस, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट फील्ड रखी है और सेव बटन रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो और बटन की मैंने आउटलेट और एक्शन बना के रख दी है। बट यहाँ पे मैंने ये किया है कि ये जो फर्स्ट नेम वाली जो टेक्स्ट फील्ड है ना, उसकी मैंने उसको मैंने आउटलेट तो बनाया बट उसको मैंने अटैच नहीं किया। तो आप सबको शायद पता हो कि अगर कुछ आपने आउटलेट अटैच ना किया हो तो वो नील होती है, तो वो क्रैश होता चाहिए जब मैं उसके अंदर से वैल्यू को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहले तो वो मेरे को नील ही दे देगा क्योंकि मैंने आउटलेट अटैच नहीं किया है। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करो, देखो यहाँ पे उसने मेरे को नील दे दिया। तो अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, भले वो नील आ रहा है अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम जब होगी जब मैं इसकी कोई भी वैल्यू को यूज एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, जैसे कि मैंने टेक्स्ट में यूज करने वाला जो स्ट्रिंग है, और वो भी देखो आप देख सकते हो ऑप्शनल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं इसको भी रन करता हूँ अभी, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो ये क्रैश हो गया। अभी क्रैश होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये जो वैल्यू है वो ऑप्शनल है और वो नील आ रही है क्योंकि उसका सुपर व्यू नील है। उसका मतलब कि टेक्स्ट फील खुद नील है तो उसकी वैल्यू तो नील ही होने वाली है, तो यहाँ पे क्रैश हो गया। अभी ये मेरे को नहीं जमेगा यार, क्रैश नहीं होनी चाहिए, भले ही वैल्यू नील हो क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो ये केसेस में अभी हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सबसे पहले इफ्लेट का, ठीक है, कि हम इससे कैसे बचे गाइस, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि भाई फर्स्ट नेम जो टेक्स्ट फील्ड है वो नील है, तो उससे हमें बचना है कि जब भी वो नील हो तो हमें पता हो जाना चाहिए कि भाई ये नील है तो मैं उसकी वैल्यू यूज ही ना करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ लेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ txt field इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम की टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पे else। अभी ये इफ वाला कब कॉल होगा, जब है ना वैल्यू होगी, यहाँ पे else वाला तब कॉल होगा जब वैल्यू नहीं होगी, वो नील होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट नेम वाली जो टेक्स्ट फील्ड है इज नील, और यहाँ पे जब भी कॉल होगा जब नील नहीं होगी तो यहाँ पे txt फील्ड डॉट टेक्स्ट जो भी होगा मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ से टेक्स्ट निकल देता हूँ क्योंकि वरना वो क्रैश हो जाएगा, इसलिए इसको अभी रन करते हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ही रख देता हूँ मैं, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, ये नील होगा, आगे जाते हैं, यहाँ पे ये नील आ गया। अभी ये नील है तो ये क्या करेगा, अभी टेक्स्ट को नहीं गेट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नील है, तो वो एल्स में जाएगा और आपको बताएगा कि भाई जो टेक्स्ट फील्ड आप यूज़ करने की ट्राई कर रहे हो वो एक्चुअल में नील है।
तो ये हो गया इफरेट कि हमें ये क्रैश नहीं होगा, हम बच गए, हमें पता है भाई कि ये नील कब है और नील कब नहीं है। तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो कि भाई ये नील है तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूँ या अलर्ट दे दूँ कि भाई आपकी वैल्यू नील है, कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पे उसने हैंडल कर दिया। अभी ये तो बात हुई इफेल्स की, तो इफेल्स तो आपको पता ही है उसका जैसा ही है, तो ये इफ्लैट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा गाइस कि मुझे अगर ओके उसको मैं बात कर दूँ, रहने दो अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गार्ड सेम इसी के लिए, क्योंकि वो भी नील हैंडल करता है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं गार्ड यूज करता हूँ, गार्ड लेट टी एच टी फिल इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम टेक्स्ट फिल। और यहाँ पे इसमें ऐसा होता है गाइस कि आपको यहाँ पे इसकी सेंटेक्स ऐसी है कि एल्स में आपको यहाँ पे रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो जब भी अगर ये जो टेक्स्ट फिल जो नील होगी, जो भी वैल्यू नील होगी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा रिटर्न के अंदर कि भाई जो टेक्स्ट फिल आप यूज़ करना चाहते हो वो एक्चुअल में नील है, और मुझे अगर अगर वैल्यू मुझे मिल गई तो उसका जो टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अभी इसको रन करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव पे ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आया वो होगा नील, और यहाँ पे वो गया और ये हो गया नील, और यहाँ से वो डायरेक्टली रिटर्न चला गया, ठीक है। तो ये चीज सही है, कोई बात नहीं। अभी प्रॉब्लम अभी मैं बताता हूँ। तो ये जो हो गया वो गार्ड और इफ्लेट को आप कैसे नील को आपको हैंडल करना है वो मैं आपको बता दिया कि आप इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ, इसको अभी मैं रन करता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी आप अच्छे से देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा आपको। ये वैल्यू नील है, गार्ड ने उसको हैंडल कर दिया, ठीक है। बट ये वो यहाँ से वो रिटर्न चला गया, तो ये नीचे का जो भी मेरा कोड है वो कॉल नहीं होगा क्योंकि ये रिटर्न हो गया। ये रिटर्न हो गया तो ये स्कोप के बाहर चला गया, तो भाई वो मेरा नीचे का कोड तो रन ही नहीं हुआ, पर उसने मेरा हैंडल तो कर दिया। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो आपको ये डिफरेंस बताना है कि अगर गार्डलेट के अंदर अगर चीज़ जो जो भी वैल्यू है वो नील हुई, तो नीचे का जो भी स्कोप का जो जो भी उसके नीचे का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको नीचे का कोड भी एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफ्लेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके नीचे यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ओके। तो गार्ड में तो क्या हुआ, वो नील हुआ तो वो रिटर्न ही हो गया, नीचे का भी कोई कुछ भी कॉल ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इफ्लेट यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑब्वियसली वैल्यू नीली है तो ये नील हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, सही बात है कि भाई फर्स्ट नेम नीली है, बट फिर भी नील होने के बावजूद भी वो कॉल तो होगा, उसके नीचे के जो भी वैल्यू होगी, जो भी आपने कोड रखा हुआ होगा वो कॉल होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है वो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लो, जब भी आप गार्ड लिख रहे हो और गार्ड में अगर वैल्यू नील आ रही है तो नीचे का पूरा जो कोड है वो कुछ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इफ्लेट के अंदर ये चीज़ होगी, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ है गाइस, सोचो कि ये टेक्स्ट फिल की वैल्यू जो है वो मुझे यूज़ करनी है, यहाँ पे नीचे कहीं पे भी मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी रुको, अभी मैं एक चीज़ करता हूँ, एक चीज़ समझ में आना नील को हैंडल करने के लिए, और दूसरी आप जो है इफ्लेट के नीचे का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो बट गार्डलेट में नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अभी मैं इसको सबसे पहले तो आउटलेट दे देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम टेक्स्ट फिल, इसको रन करते हैं। बटन सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट फिल है, ऑप्शनल है बट आ रही है, तो यहाँ पे अपना काम खत्म, ठीक है। अभी और आगे जाते हैं, दो दो डिफरेंस आपको बता दिए, ठीक है। अभी और आगे जाते हैं, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ डॉट टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा डॉट टेक्स्ट, तो इस सारी चीज को मैं निकाल देता हूँ। इफ लेट प्रिंट करता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइस, सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123123। अभी मैं जब भी सेव के ऊपर क्लिक करूँगा वो 123123 तो आ गया, बट उसने ऑप्शनल मेरे को लेके दे रहा है, वो ऑप्शनल भी मेरे को ये यहाँ पे दे रहा है वो, ठीक है।
तो ऐसी चीजों के अंदर आप क्या कर सकते हो, जब आप श्योर हो कि भाई वैल्यू आने ही वाले हैं, तो आप डायरेक्टली आप इसको एक्सप्लेनेशन ही दे दो भाई कि मैं श्योर हूँ, तो आप उसको फोर्सफुली रैप कर दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे मैं 1 2 3 1 2 3 करूंगा, सेव किया, देखो 1 2 3 आ गया, क्योंकि मैं श्योर हूँ। बट अगर यहाँ पे वैल्यू नील आई, जैसे कि फर्स्ट नेम टेक्स्ट में नील आई, तो यहाँ पे वो क्रैश हो जाएगी। तो कभी भी ये चीज़ तो कभी भी मत करना, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो ई फ्लैट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे एल्स में, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि फर्स्ट नेम जो है वो एम्प्टी है। इसको रन करते हैं, अभी यहाँ पे मैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई सेव करते हैं, जब यहाँ पे आ गया क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, तो फर्स्ट टाइम मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है, जब भी ऑप्शनल आ रहा है तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, तो वो नील होगा तो क्रैश नहीं होगा। तो अगर ये तो हो गया भाई इफ्लेट के लिए, ठीक है, अभी मैं आपको गार्ड के लिए दिखाता हूँ सेम चीज़। तो उसको यहाँ पे मैं जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ, जी गार्ड लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट फील्ड डॉट टैक्स एल्स रिटर्न सेम, यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फर्स्ट नेम, ओके, सो लेट्स गो। एएसडी एएसडी सेव, यहाँ पे एएसडी आ गया। अभी तीसरा डिफरेंस आने वाला है, आप सब लोग रेडी रहना, 1 और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखो गाइस, ये जो फर्स्ट नेम है उसको मैं गार्ड के बाहर यूज़ कर पा रहा हूँ, मैं कहीं पे भी उसको यूज़ करने वाला हूँ, अभी नीचे में उसको यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर ये फर्स्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है इसको मैं इफेल्स के बाद में नहीं यूज़ कर पाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखा, देखो टेक्स्ट फील आ रहा है, वो फर्स्ट नेम नहीं आएगा क्योंकि उसको स्कोप में ही नहीं मिल रहा है वो, बट इसके अंदर उसको मिलेगा क्योंकि ये स्कोप के अंदर है। तो इफलेट के अंदर क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप जो यूज़ कर रहे हो, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हो, वो उसके इफ के स्कोप के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो, इफेल्स के बाद नहीं यूज़ कर सकते। बट गार्ड में ऐसा नहीं है, गार्ड पे अगर इसने आपने लिख दिया जो भी आपकी वैल्यू है वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट ये स्कोप के अंदर, ये वाले स्कोप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, तो ये याद रखना। तो गार्ड में जो भी वैल्यू आपने डिफाइन किया वो आप नीचे यूज़ कर सकते हो, बट इफ्लेट में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो 3 डिफरेंस हुए गाइस, पहले डिफरेंस था नील वैल्यू को हैंडल करने के लिए, सेकेंड डिफरेंस था कि अगर आपने पहले गार्ड लिखा है तो अगर वो रिटर्न हुआ, आपको नील वैल्यू मिली और रिटर्न हुआ, तो नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और थर्ड डिफरेंस है कि इफलेट के अंदर क्या होगा कि जो भी आपने वैल्यू आपने इनिशियलाइज की है इफलेट में, तो वो आप नीचे इफेल्स के बाद नहीं यूज़ कर पाओगे, आप गार्ड में वो जो है वो वैल्यू आप गार्ड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3 डिफरेंस आप हो गए गैस। तो ये मेन जो है वो यही मेन 3 डिफरेंस थे, ओके। सो आई होप गैस कि आपको इतने तक आपको समझ गया, वीडियो अभी भी एंड नहीं हुआ गैस, बने रहना, थोड़ा स्ट्रांग रह के बने रहना। अभी बात आते हैं कि कोड कैसे अच्छा होना चाहिए, कोड आप कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा 3 डिफरेंस को। अभी मुझे ऐसा करना है कि फर्स्ट नेम और एज सिटी और ईमेल जो भी वैल्यूज़ है वो मुझे प्रिंट करनी है कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे इतनी है, और कोई भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, याद रखना कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई फ्लैट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, और एल्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम जो है वो एम्प्टी है। अभी मैं यहाँ पे तो प्रिंट करके फर्स्ट नेम तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, आप सबको पता है, तो मुझे क्या करने पड़ेगा, अंदर ही यूज़ कर पाऊँगा मैं। तो सेम मुझे अभी इसके अंदर मेरे को फर्स्ट नेम मिला कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम है वो है फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये हो गया, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ई फ्लैट, दूसरा क्या था, एज, तो एज इज इक्वल्स टू एज टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट एल्स प्रिंट एज इज एम्प्टी, और यहाँ पे मुझे मिलेगा एज, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई मेरी जो एज की वैल्यू भी है वो होगा ये वाली एज,
तो आप देख सकते हो कि कोड किस कैसा हो रहा है अभी, क्योंकि यार दूसरा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और एज दोनों यहाँ पे नीचे अगर मिल जाते तो मैं एक ही लाइन में लिख देता, बट ऐसा नहीं हो रहा है यार। अभी इसको मैं जो है वो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम एज के बाद था सिटी, तो यहाँ पे होगा सिटी टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे एल्स में प्रिंट सिटी इज एम्प्टी, तो यहाँ पे आएगा कि सिटी जो है इसकी वैल्यू है सिटी। बोर मत होना, थोड़ा आगे करना होगा आप कर लेना, ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो। उसके बाद ई फ्लैट लास्ट में था ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल के टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट एल्स प्रिंट ईमेल इज एम्प्टी, और यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी मुझे यहाँ पे ईमेल भी मिल गया और यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि कोई भी वैल्यू नील होगी तो वो नहीं होगा, ठीक है, नील वैल्यू में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ तो कोड अच्छा खासा हो गया, देख सकते हो पूरा इतना कोड हुआ, फर्स्ट नेम ईमेल सिटी ईमेल। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम में लिखता हूँ मैं योगेश, ऐसे योगेश लिख देता हूँ, एज अभी के लिए मैं यहाँ पे 89 लिख देता हूँ, सिटी अहमदाबाद अच्छे से लिखते हैं, चलो कोई नहीं, ईमेल कोड विद योगेश एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, सेव करता हूँ मैं। तो फर्स्ट नेम योगेश है, एज 89 है, सिटी अहमदाबाद है और ईमेल एड्रेस यहाँ पे ये वाला आ गया, तो ये सब सही चल रहा है। बट कोड तो देखो कितना सारा कोड कर दिया हमने, ठीक है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। अगर इसमें अगर मैंने 89 को निकाल दिया मैंने और मैं सेव कर रहा हूँ मैं, तो आप देखो क्या आ रहा है, वो ब्लैंक ले रहा है, वो ब्लैंक ले रहा है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं, बट वो ब्लैंक तो ले रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी मुझे करना पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करूँ यार, अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन में लगाऊँ कि इफ एज जो एज की वैल्यू है इज इक्वल्स टू ब्लैंक हो, नहीं होनी चाहिए नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ही वो यहाँ पे जाए, ठीक है। फिर वो ईमेल भी मुझे यार ब्लैंक नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, और मैं रख देता हूँ, ओके और नहीं, हम एंड में ही रख देंगे ना, और में भी रख देंगे। तो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे दोनों के लिए किया है, बट सबके लिए करना पड़ेगा ऐसा। एज 1 2 1 2 3 3 1 1 1 सेव करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हो क्योंकि यहाँ पे एज की वैल्यू ब्लैंक है, अगर मैं इसमें 1 कर दूंगा तो वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मुझे करना पड़ा कि भाई चलो ब्लैंक की वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए इसलिए मुझे ये इतना करना पड़ा, तो ये तो मेरे को सबके लिए लिखना पड़ेगा अभी भी। बट इसके अंदर एक और चीज़ आप कर सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से करना हो कोड को, तो इफ्लेट में क्या करना है, इसको निकाल दो ये वाली कंडीशन को, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमा करके ये जो फर्स्ट नेम जो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक हो वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो ब्लैंक नहीं होगा तो ही वो एज में जाएगा। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो, आगे जाते एज इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सिटी की जो वैल्यू है वो भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, और ईमेल की जो है वैल्यू जो भी आएगी वो भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नेम होगा, जो होगा फर्स्ट नेम की जो टेक्स्ट होगी वो, और जो फर्स्ट नेम मुझे मिला वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्लैंक हुआ तो वो अंदर जाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको मैं कोड कैसे अच्छा करना है इसके लिए मैं इफ्लेट और गार्ड्स दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने डिफरेंस भी देखा अभी दोनों में बेटर कौन सा है, वो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 देख रहा हूँ और मैं सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा कि आगे जाएगा, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम तो 1 2 है उसको मिल रहा है, बट एज आगे एज में आगे वो नहीं जा पाएगा क्योंकि यार एज एम्प्टी है, इसलिए तो वो दिख रहा है कि एज इज एम्प्टी। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, आगे जाते हैं, इसको फर्स्ट टाइम मिला 1 2, एज इसको मिल गया 1 2 3, बट सिटी जो है वो है एम्प्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो गाइस, अभी थोड़ा बेटर है, पहले से काफ़ी बेटर है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ रही थी, बट अभी यहाँ अभी हम नहीं रख रहे, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
तो फर्स्ट नेम की वैल्यू के साथ आप कॉमा करके आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, बट फिर भी वो इतना भी अच्छा नहीं है, बेटर बेटर है बट इतना भी बेटर वो नहीं है अभी। तो ये जो गाइस हो गया वो हो गया इफलेट के लिए। अभी बाई चांस आप सोचो कि अगर मुझे यहाँ पे ये जो ईमेल की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ भाई ईमेल, तो ईमेल तो आएगा ही, तो मुझे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझको सिटी की वैल्यू चाहिए तो मैं जो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा कि मेरे को तो वो टेक्स्ट फील्ड से ही गेट करना पड़ेगा ना यार, कि सिटी की वैल्यू क्या है, सिटी टेक्स्ट फील्ड डॉट टैग। क्योंकि आपको भी पता है कि इफलेट के इफलेट में जो भी आपने इफ में जो वेरिएबल रखा होगा वो इफ एल्स के बाहर तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये सिटी, फर्स्ट नेम, एज और मेरे को चाहिए, तो मैं तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ये जब भी आप टेक्स्ट फील्ड से इस तरीके से आप बटन के ऊपर क्लिक करने में ट्राई करें ना, तब भी ये इफलेट नहीं यूज़ करना चाहिए। आप ही देख लो गाइस कि कोड कितना हो रहा है, इतनी सारी कंडीशन लगाने के बावजूद अगर मुझे स्कोप के अंदर सब कुछ करना पड़ रहा है बट ऐसा हुआ कि मुझे स्कोप के बाहर करना पड़ेगा, तो क्या आप यहाँ पे इसे वेरिएबल लिखोगे और कि वेरिएबल मेरा जो टैम्प नेम है वो ये है, फिर टैम्प ऐसा मैं सोच रहा हूँ वो पहले ब्लैंक है यहाँ पे कि टैम्प नेम इज इक्वल्स टू मेरा फर्स्ट नेम, मेरे को मिल गया। अभी मैं यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा कि भाई आपको फर्स्ट नेम चाहिए ना, मेरे पास है प्रिंट टेम्प नेम। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा कर रहे हो तो आप गलत है, ठीक है, इस तरीके से आप फर्स्ट नेम ले रहे हो। तो ये सिचुएशन के अंदर गार्डलेट सबसे बेस्ट है। अभी क्यों बेस्ट है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सारी चीज़ को, ठीक है, बोर मत होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैं बताना ही नहीं वाला था बट मैंने सोचा नहीं इसको और डिटेल में बताता हूँ, तो बोर होके अब चले मत जाना, इसको देखना। तो अभी गार्ड में कि देखो कितना इजी होगा और कितना प्रॉपर आपको लगेगा। गार्ड लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे रिटर्न कॉपी 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 कॉपी, यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद आएगा एज, यहाँ पे होगा सिटी, यहाँ पे होगा ईमेल, ईमेल यहाँ पे एज टेक्स्ट फील्ड, सिटी टेक्स्ट फील्ड, सिटी टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे होगा ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम इज एम्प्टी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ईमेल सिटी एट एज। और यहाँ पे ये जो हमने ये जो किया था उसको ही मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बेस्ट तो यही है गाइस कि सबको मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, स्कोप के बाहर भी यूज़ कर पा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को, वैसे तो उससे तो काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड सेव। आप देख सकते हो गाइस मस्त आ रहा है, फर्स्ट नेम ए 1 है, एज 2 है, सिटी 3 है एंड 4। लेट्स डू सम ट्विस्ट हियर, ईमेल को निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे ईमेल ब्लैंक आ गया। अभी आप लोग सोचोगे अभी इसमें क्या करूँ, तो अभी इसके अंदर आप ऐसा करोगे कि इफ फर्स्ट नेम जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपने किया तो आप गए, आपको ऐसा नहीं करना है। सेम जो मैंने इसके अंदर किया था कि फर्स्ट नेम की वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, आप इसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट नेम जो है इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखते हैं एल्स में, सब में ऐसा करना है अपने को, ये है एज, सिटी और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो कोई भी ब्लैंक कभी होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सबको ब्लैंक रखते हैं, फर्स्ट नेम इज एम्प्टी, फर्स्ट नेम में लिखता हूँ 1 2 3, तो आपको देखो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि एज एम्प्टी है भाई, एज का कुछ करो आप लोग यार प्लीज़, ऐसा आपको बोलेगा वो। और अगर एज मैंने कर दिया तो बोलेगा सिटी एम्प्टी है, अभी सिटी में कुछ लिख दिया तो ईमेल एम्प्टी है, और ईमेल में लिख दिया तो सब आ जाएगा, सब सही आ जाएगा। तो ये अप्रोच सही है यार कि आपको अलर्ट भी, आपको अलर्ट अगर आपको शो करना है तो आप इजीली अलर्ट शो कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से, ठीक है। ये सबका आपको स्कोप के बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है
वो अगर कुछ भी नहीं है, मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। यहाँ पे जाके वो रिटर्न हो जाएगा और डायरेक्ट स्कोप के बाहर चला जाएगा, कुछ भी कॉल नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है तीन डिफरेंस। तो अगर ये रिटर्न हो गया तो इसमें से कुछ भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको नीचे में जो नीचे जो है वो आपको कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर अगर नील या ब्लैंक आ गया तो, ठीक है। अगर आपको आगे एग्जीक्यूट करना हो तो आप इफलेट यूज़ करो, नहीं करना तो गार्ड यूज़ कर देना, ठीक है। तो ये गाइस था, ये अप्रोच था। बट मैं ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ तो मैं ये सिचुएशन के अंदर मैं गार्ड ही यूज़ करता हूँ, गार्डलेट यूज़ करता हूँ। मैं पहले इफलेट यूज़ करता था बट फिर मैं गार्डलेट ही यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आप ही देख लो कि ये कोड है जो, और इस कोड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और कोड दिखने में भी कितना बेटर लग रहा है। और मुझे ऐसा वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे या टेम्प नेम जैसे, अगर मेरे को यूज़ करना हो वैल्यू को, तो क्योंकि मैं ये वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ इस स्कोप के अंदर, ठीक है। सो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, कोड इस तरीके से आपको रिड्यूस करना है, अच्छे से दिखाना है आपको, ठीक है। अगर आपको कंडीशन लगानी तो मल्टीपल कंडीशन आप इफलेट में और गार्ड लेट में दोनों में लगा सकते हो। अगर आप भी ये ऐड कर सकते हो, मैं मल्टीपल में चेक कर सकते हो, मुझे इफेल्स की ज़रूरत नहीं है अगर मैं गार्डलेट और इफलेट यूज़ कर रहा हूँ तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये गाइस नील वैल्यू को हैंडल करता है। इफलेट जो है वो आपने अगर इफलेट के अंदर जो भी वैल्यू आपने जो इनिशियलाइज की है वो इफ के स्कोप के अंदर ही मैं यूज़ कर पाऊँगा, मैं इफेल्स के नीचे नहीं यूज़ कर पाऊँगा। बट गार्डलेट में ऐसा नहीं है, मैं नीचे यूज़ कर सकता हूँ उसको, ठीक है। गार्डलेट का एक डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते अपने, पर इसमें ऐसा है कि आप अगर आपको गार्डलेट में आपने जो भी वैल्यू इनिशियलाइज की अगर वो नील आ रही है, ठीक है, अगर वो रिटर्न हो रहा है तो वो नीचे का कुछ भी कोड कॉल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न का मतलब कि आप बाहर निकल गए, ठीक है। बट इफलेट में ऐसा नहीं होगा, भले ही वैल्यू नील हो, एल्स वाला पोर्शन जो है वो जो पोर्शन है वो कॉल हो जाएगा, बट उसके नीचे जो भी कोड आपने रखा है वो सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये दो चीज़ थी गाइस, ओके। तो ये तीन चीज़ थी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, बहुत एफर्ट लगा के वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपको हेल्पफुल हो सके इसलिए। ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो, और वीडियो को लाइक करना, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, अच्छे अच्छे से काम करते रहो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेरी हो तो बोलना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लास्ट टाइम कि आप जो भी इंटरेस्टेड हो क्लासेस के लिए मुझे मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे के रखा है, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।